कहते हैं लोभी नु सुखी नहीं कीता जा सकता, संतोखी नु दुखी नहीं कीता जा सकता। तो हर हालत विच राजी जो हो गया ठीक है, ठीक है। तेनु एक शायर इंज बयान करता है, जो हंस रहा है सो हंस रहेगा, जो रो रहा है सो रो रहेगा, सकूने कलब से खुदा खुदा कर, जो कुछ के होना है सो हो रहे। जो कुछ हो गया ठीक है, ऐ खुदा तेरी तरफों जो कुछ हो गया ठीक है, सानू कबूल है, सब कुछ तरफों होगा, रिजक भी तरफों होगा, जो कुछ मिल गया जो भी ठीक है। संतोखी नू दुखी करना बड़ा औखा है, ते लोभी नू सुखी करना बड़ा औखा है। लोभी कभी सुख चैन नाल नहीं बैठ सकता, उनू सुख की नींद कदई आ ही नहीं सकती। संतोखी नू बे आराम किया ही नहीं जा सकता, हर वक्त आराम दे छे। एक गाथा याद आ गई है, एथेन देश यूनान दा दारुल खिलाफा राजधानी, उस जमाने च इस मुल्क दा नाम यूनान से अजकल ते ग्रीस कहते हैं, ग्रीस। एथेन दे बाजारां विच सिकंदर आजम फाथे आजम महान सिकंदर दी सवारी निकल रही थी, दीदार लई देखण लई सारा शहर उमड़िया। मैं कई दफा अर्ज किया, जिहदे पिछे मनुख दौड़दा जिहनूं देखण दी लालसा रखदा वैसा वो होना चाहता है, होना चाहता। किधरे एक राजनैतिक किसी जलसे च उन्हें बोलना है, सारा शहर इकट्ठा होंदा है, भावें उही बहूदा ते झूठियां गल्लां सारी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। फिर भी दुनिया सुनन इकट्ठी आउंदी है, परिक्रमा भी करती है। इस तो स्पष्ट है मनुख राजनीतिक ही होना चाहता है। फिर एक फिल्म स्टार आ जाता है, सारा शहर उसके पीछे दौड़ पैंदा है। इस तो पता, हालांकि वो स्टेज देते नकल पेश करता है हासे दी, रोने दी, मरने दी, जीवन दी नकल पेश करता है। ते मनुखों का जीवन इतना नकली हो गया है कि नकल में पेश करने वाला पूज बन गए, महान बन गए। इस तरह पहले नहीं सी, या इंज कह लीए पहले इतनी जिंदगी देच नकल नहीं सी, असल सी। नाटक मंडलियां पहले भी होंदियां सन, रसदारी पहले भी होंदे सन, लोकी सिरां ते चुक्की नहीं फिरदे होंदे सन, पर अज ते अभिनेता एक्टर मनुख दे सिर ते बैठा, जन्म तो लैके मरण तक उन्हां दियां कहानियां गल्लां तरह तरह के फिल्म फिल्मी मैगजीन विच छपदियां, और सारा देश की सारी दुनिया अपने अपने मुल्क के फिल्म स्टारा की जीवन कथा पढ़ती है। कौन अवतारा की कथा पढ़े, कौन संतां महात्मावां दियां कथा पढ़े। मनुख जिन्हों पढ़ना चाहता है, सुनना चाहता है, वेखना चाहता है, जिदे पिछे दौड़ रहा है, भज रहा है, वैसे होना चाहता है। सिकंदर नु देखण लई सारा शहर उमड़े है, सवारी इसकी निकली हाथी ते बैठा है, क्योंकि उच्चा जानवर है तो भीड़ विच उच्चा सिंघासन चाहिदा सी, हाथी ते बैठा है पालकी रे। सवारी निकल रही है, कोई फुलां दे बरखा करदा, कोई उपमा विच गीत गांदा,
अपनी भाषा दे तरह तरह के नारे लाता सलामा करते ने चुक चुक के। हाथी हौले हौले चल रहे, रस्ते विच चौक आती है ते बिल्कुल सामने एक मस्त फकीर बैठा है, पर तन दे कपड़े फाटे हुए से, हालत मस्तानी सी। सवारी लंगी जेडे बैठे सन सारे खड़े हो गए सलाम करने वास्ते, जेडे खड़े सन उन्होंने झुक के सलाम की थी। तो फकीर खड़ा नहीं होया ते सलाम भी नहीं की थी। सिकंदर ने हाथी रुकवाया, कोई बागी जागता है, आज एक गुस्ताखी कर रहा है, कल कोई और करेगा, परसों कोई और करेगा। पुराना जमाना सभ्यता शायद यही होगी, हाथी पे बैठे हैं सिकंदर, उस फकीर ने कहता है मंगते भिखारी तेरी शामत ते नहीं आई, तू यूनान दे आदाब तहजीब नहीं जानता और तेनू शाही आदाब का नहीं पता। फकीर दी अखां खुलियां ते देखे बादशाह तैश दे चे गुस्से चे, शक्तिशाली मनुख गुस्से च होवे ते अगला कमजोर होवे, गुस्ताखी माल गुस्सा ही कमजोर से आंदा है, ताकतवर से आंदा ही नहीं। ताकतवर के सामने बंदा गुस्सा पी जाता है, कमजोर देते गुस्सा कटता है कटता है। एक सच्चाई है, जिथे भी मनुख गुस्सा कट रहा है समझ लेना कमजोर है, कमजोर। नौकर घर का सफाई पिया करता, मालक बैठा सोफे पे अखबार पिया पढ़ता, अचानक जोर की आवाज आई, पांडे ग्लेज़ क्रॉकरी ने इस दे टूटने की आवाज आई। खड़ा होके मालक देखता वाकई प्याले टूट गए ने, केटली टूट गई है, डांटन लग पाया नौकर, क्रोध कड़ी जाए कड़ी जाए, तरह तरह की तालना करी जाए, तेन कम करने की जांच ने सफाई ढंग नाल करिया। कितने चो हाथ जोड़ के नौकर कहिंदा है मैं नहीं तोड़िया, थोड़े बच्चे ने तोड़िया, खेड रहा मैं की कर। गुस्सा शांत हो गया, मासूम बच्चा नौकर पे ते कड़िया गुस्सा, जो बेकसूर है ते जिड़ा कसूरवार है उसके प्रति चुप कर गया। चुप जो प्यारा होवे अपना होवे उस ते भी गुस्सा कढ़ना औखा, जो ताकतवर हो गए शक्तिशाली हो गए उससे भी गुस्सा करना बड़ा औखा है। क्रोध मतलब कमजोर पे ही करता है, निर्बल पे करता है। बड़ा क्रोध आया सिकंदर, मन पे तेरी शामत पे नहीं आई, तू इतों के शाही आदाब नहीं जानगा। फकीर सियाणा सी, सूझवान सी, शक्तिशाली मनुख जिहदे कोल ताकत है, गुस्से च आया है कुछ भी कर सकता है। फकीर ने भी अपनी सियाणप वरती आख्या, बादशाह सलामत गल यह है मैं थोड़े मस्तक दियां रेखा पढ़ रहा सी,
कि रेखा कह रही ने तेनू बड़ा कुछ मिलना है, बड़ा कुछ मिलना, अजे तो कुछ भी नहीं, अजे तो सोहना भाग भी नहीं। बड़ा खुश हो गया सिकंदर, पहले क्रोध विच आके ममता आख्या सी, भिखारी आख्या सी, हुण हाथी ते बैठिया होया कहिंदा फकीर साई होर दसो मेरे मस्तक विच की लिखे है। पहले ममता आख्या हुण फकीर साई, पीर साई दसो मेरे मस्तक विच होर की लिखे है। फकीर कहिंदा गल है बहुत कुछ लिखे है, बहुत कुछ मैं तैनू दे सकदा, पर एक शर्त है कि हाथी तो थले उतर कटे मेरे को। सिकंदर मन दे सोचदा बड़े खून खराबे करने पैंदे ने, अपने सिपाही भी मरदे ने, दूजे तां किधरे कुछ हासिल होंदा, इहदे आशीर्वाद नाल बड़ा कुछ मिल जाए, सौदा सस्ता ही है, महंगा नहीं। थले उतरे फकीर दे कोल चला गया, कहिंदा फकीर साई दसो मेरे मस्तक विच की लिखे है ते तुसी मैनू होर की दे सकदे। फकीर कहिंदा बहुत कुछ दे सकदा, बहुत कुछ दे सकदा, कम से कम तू ममते की तरह झोली ते अड़ के खड़ा तां मैं देआं, एवें किस तरह दे दे, तू झोली ते अड़ के खड़ा मेरे। सिकंदर कहिंदा सौदा सस्ता ही है, एंड झोली अड़ के खड़ा। फकीर की समाधि लग गई, बिस्माद मंडल छा गए। काफी देर तक जब फकीर ने अखा नहीं खोलिया, सिकंदर कहिंदा छेती करो, मैं जाना, जो कुछ देना है छेती मेरी चौधरी जवाब। अखा खोल गया ते डांट दे आया, फकीर कहिंदा जा मंगते मैं तेन कख नहीं देना, तू मैनु मंगता आख्या सी, तू मंगते कोलो मंग रहा है, इस वास्ते मैं तेन मंगता साबित किया। सिकंदर तेरी कोई ताकत मैनु दुखी नहीं कर सकती, ते दुनिया की कोई दौलत तेन सुखी नहीं कर सकती, तेरे को संतुष्टि नहीं है, नहीं है।